ये देखिए दोस्तों, आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सरिता चौधरी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत 9:30 बजे से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है। आज मैं कुछ खास नया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जैसे कि मैं आज आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम अपने घर में कैसे साबुन फेस मतलब अपने स्पेशल फेस केयर के लिए अपने फेस अपना अपने लिए साबुन घर में कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल हर्बल। और जैसे कि मैंने अमेजोन से कुछ साबुन, रॉ साबुन मंगा दिया था, और मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए घर में स्पेशल साबुन बनाऊंगी जो कि अपने लिए फेस वॉश के लिए। तो जैसे हम बना सकते हैं हमारे घरों में, जैसे नीम की पत्तियां रहती है, एलोवेरा रहता है, और हल्दी, चंदन, कुछ भी, कैसे भी हम अपने लिए एक फेस वॉश सोप बना सकते हैं, फेस सोप बना सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने खुद सोचा है कि मैं कैसे बनाऊंगी। तो मैंने ये मंगा लिया था अमेजोन से, और ये पिछले साल मंगा दिया था, कुछ मैंने पिछले साल बना दिया था अपने लिए, और फिर वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो मैंने सोचा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो एक्सपायरी हो जाएगा, इसकी डेट चली जाएगी, तो मुझे फिर ऐसे ही फेंकना पड़ेगा ये। तो मैंने एक तो अपने लिए ये ख़रीदा था ये सोप, और ये ऑनलाइन मिल जाता है, और वो ऑनलाइन में मुझे ये 1 kg का था और मिल गया था 1 kg का, 250-300 रुपये का मिल गया था। मैंने एलोवेरा ले लिया था अपने घर के पास से, घर में ही एलोवेरा लगा हुआ था। तो मैं पहले ही वीडियो बनाने से पहले ही मैं सोप बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं ब्लॉग बना लूँ। तो बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना इसका थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं आपको प्रोसेस भी साथ साथ में दिखाती रहूँगी। ये देखिए दोस्तों, आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। तो ये मैं यहाँ पे एक एलोवेरा सोप बना रही हूँ, एलोवेरा सोप, और देख सकते हैं ये मैंने एलोवेरा लाई थी, तो ये मैंने इसका पल्प निकाल करके ऐसे छिलके इसमें डाल दिया, और मैं सीधे ही बना रही थी। तो बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इसे ब्लॉगिंग में ले लूं, क्योंकि ब्लॉग भी प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जो एलोवेरा का पल्प निकाला था इस कटोरी में, तो ये मैंने देख सकते हैं ये अभी झाग आ रखा है, क्योंकि मैंने इसमें ये ग्राइंड कर दिया है, इसमें ये मैंने जार में इसे पीस लिया है। तो ये है एलोवेरा का जेल था, ये देख सकते हैं अभी झाग आ रखा है इसमें, देखिए। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये मैंने अमेजोन से साबुन मंगाया था, ये देख सकते हैं ये प्लेन सोप है, और ये मैंने ना पिछले साल मंगा दिया था, और उस समय मैंने नीम का और एलोवेरा का बनाया था, और काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये मैंने सोचा कि एक्सपायरी हो जाएगी, ओवर डेट हो जाएगा, तो ऐसे ही फेंकना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसका फिर अभी सोप बना लूँ। तो एलोवेरा भी गार्डन में ही था, और तो मैं इसका बना रही हूँ सोप। तो दिखाती हूँ मैं आप कैसे बनाती हूँ। ये मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से मैं इसे, इस साबुन का मैंने पीस कर दिया था, कट पीस कर दिया था, देख सकते हैं, और इसमें मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। तो ये मेल्ट हो गया है, और अच्छे ढंग से मेल्ट हो गया, तो अब मैं इसे उतारूँगी। तो चलिए ये प्रोसेस कर लेते हैं हम। तो देखती हूँ इसमें, क्योंकि ज़्यादा हमें लिक्विड ही नहीं चाहिए, साबुन ये कम है तो सेट हो जाए, सेट होने में अगर ज़्यादा लिक्विडी होगा तो सेट नहीं हो पाएगा, तो पिघल जाएगा जल्दी। खुशबू उशबू कुछ नहीं, और बिल्कुल नेचुरल हर्बल सोप है ये, बिल्कुल घर में बनाया हुआ,
और मैंने ये पहले भी यूज़ किया था। ये जो एलोवेरा होता है इससे आपके मुहांसे पिंपल वगैरह सारे डैमेज हो जाते हैं, जब जैसे अगर आपको सूट हो रहा है एलोवेरा और पिंपल आपके मुंह पे उग रहे हैं तो आप उन पे लगा सकते हैं और एकदम से ठीक हो जाता है। तो मुझे सूट करता है, मुझे एलोवेरा भी सूट करता है और नीम भी सूट करता है। तो मैं अभी तो ये एलोवेरा का बना लूँगी, मेरे पास मोल्ड भी है तो सब कुछ मेरे पास है अभी। और खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये काम कर लूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये मोल्ड भी है, हार शेप में, राउंड, स्क्वायर और ओवल शेप में। तो इसमें मेरा सोप इजली बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें इसको ग्रीसिंग कर दूंगी ऑयल से। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको भर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। प्रशांत, तो ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। ऐसे भी ये सेट हो जाएगा, हमारा फ्रीज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए ऐसे ही सेट हो जाएगा और फिर मैं कल दिखाऊंगी कि कैसे बनाया ये साबुन। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए ये वीडियो बंद रखती हूँ, फिर जैसे ही कल सुबह में ये सेट हो जाएगा तो मैं बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी कि कैसे सेट हो रखा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों देखो जैसे मैंने रात को बनाया था ना, सोप बनाया था मैंने, तो आप देख सकते हैं ये मेरे सोप बन के तैयार हो गया है। अब इसमें प्रेशर डालो यहाँ से ऐसे करके। नहीं अरे प्रेशर क्यों डालना है, वो बिल्कुल सॉलिड हो गया है, ये देख सकते हैं। भाई पीछे से भी सॉलिड हो जाएगा वो। अरे ये देखो, पीछे से भी सॉलिड हो जाएगा वो। और इससे आप हमेशा अपने फेस वॉश कर सकते हैं, ये देखो नहा सकते हैं बिल्कुल, ये देखो। और मैंने फ्रीज में भी नहीं जमा रखा है बिल्कुल, ये यहीं पे स्लैब में ही। तो एक बार मैं इसी सोप को आपके सामने दिखाती हूँ कि कैसे, देख इतना झाग आ रहा है प्रशांत, देख तू कह रहा झाग नहीं बनता है, याद है हमारे जितने भी साबुन होते हैं दोस्तों इसी से बनते हैं, इसी सोप से बनते हैं, बस इसी में ही जिस जिस चीज से बनाना होता है उसी की प्रॉपर्टीज उसमें डाल दी जाती है, उसी में थोड़ा से खुशबू के लिए सुगंधित एसेंस डाल दिया जाता है। देखना हाथ लगाना, कुछ उसमें एसेंस ड्रॉप डाल दिया जाता है और बिल्ली पीछे से आ रही है, देखो बिल्ली निकाल, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो चलिए गाइस, ये मैंने आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाया है कि आप सोचेंगे कि ये साबुन यूजफुल बना कि नहीं बना, और ये देखिए। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं इसी का रखती हूँ और आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही यूजफुल ब्लॉग के साथ। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये सोप कैसा लगा और किस किस ने ट्राई किया है। आप इसके मोल्ड को भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। और जो रॉस सोप है जो मैंने साबुन मंगाया था उसे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जैसे नीम, एलोवेरा और हल्दी, चंदन, ये सब चीज़ें हमारे घरों में होती हैं तो उनसे हम इजली बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।